75% इसमें से कंज्यूम किया जा चुका है। आपको ही पता है, अगर ऐसा बोतल पास मिल जाए, खाली टाइम मिल जाए, इतने लोग मिल जाए, एक ऐसा टेबल मिल जाए, इसको अगर थोड़ा साफ कर लिया जाए तो थोड़ा सा पुणे आकर यहाँ का मिसल पाव नहीं खाया तो भाई क्या खाए? और पुणे आए किस लिए फिर? सही बात है। और यहाँ का काटेकर मिसल पाव काफी फेमस है, तो यहीं पर बाजू में ही 2 किलोमीटर। यहाँ के पुणे में लोग ना बाजू में ही कहते 2 किलोमीटर बोलते हैं 2 किलोमीटर बाजू में ही, आप चल जाओ वॉक करके सामने। बोला भाई यहाँ पे क्या मतलब 1000 मीटर को 1 किलोमीटर नहीं मानते क्या? नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ सीन है। तो फिलहाल हम लोग का पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं था, लेकिन हाँ स्पेशली मिसल पाव के लिए थोड़ा थोड़ा जगह बचा लिया। इतना तो खा ही लेंगे क्योंकि वो बहुत जबरदस्त चीज़ है, जबरदस्त चीज़ है। तो एक एक बाइट के लिए जगह बचा हुआ है, तो वहाँ जाते हैं, ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा है यहाँ का फेमस मिसल पाव। वैसे पुणे का मिसल पाव बहुत फेमस है, आपको ही पता होगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ के ट्रैफिक में एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पे मैं देखता हूँ हेलमेट कोई नहीं पहनता है, बहुत रेयरली लोगों को देखा है मैंने हेलमेट डालते हुए। बाकी जाते हैं, पास में ही है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं, देख लो कटकीर, यहाँ का मिसल पाव बहुत फेमस है, तो जाते हैं अंदर। काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया यहाँ का मिसल पाव बहुत ही फेमस है। मैं और अक्षय पाजी अभी, और पीछे में देख लो मेन्यू वगैरह भी है, और वहाँ पे देख लो वो लिखा हुआ है कक्का थोड़ी एक्स्ट्रा तरी दयाना, इसको बोलते तरी बोलता है, ये बहुत स्पाइसी होता है। ये जो है ना, ये भाई जबरदस्त चीज है, ये डाली है ना ये ला देगा। तो यही देख लो पुणे का फेमस मिसल पाव। मैं फर्स्ट टाइम वैसे कोई मिसल पाव ट्राई कर रहा हूँ, सारा जो जादू है इसमें है ना, सब जादू इसमें है ना। आप एक बार स्पून से ट्राई करोगे ना, इसमें आप नोटिस करना क्या क्या चीजें हैं, वो हम नहीं बताएंगे, पहले आप बताना। ये तरी है, जब मैंने ये मिसल पाव ऑर्डर किया ना, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको स्पाइसी कैसे चाहिए, मीडियम लाइट या फिर ज्यादा, तो मैंने बोला भाई मीडियम ही रखो, और अलग से इन्होंने ये तरी भी दे दिया है। ये मतलब आपको जितना स्पाइसी बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। टीका जहर है बहुत जोर है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं। अब इनको क्या होगा ना, थोड़ा सा लाइट रखना, लाइट भी हिला देना। बाकी वो पूरा न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल वगैरह भी है, ट्राई करते हैं बताते हैं कैसा है। इसको एकदम साइड ही करते हैं, एकदम गर्मा गर्म तरी, बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है मैंने सुना है। ये कुछ चीजें यार, ब्रेड देख लो कितना सॉफ्ट होता है, मतलब जो पाव जो होता है इनका बहुत सॉफ्ट है। इनका कहना ही होता है अगर मुंबई में आ रहे हो ना, तो ये इसका ढेंचू ढेंचू देख लो, बिल्कुल अपने ऊपर उठ जाएगा, अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तरी आपको डालना पड़ेगा, तभी इसका और टेस्ट आएगा। अच्छा, इसके ऊपर सेब प्याज सेब ये सब कुछ, प्याज नीचे सब्जी भी रहता है। फर्स्ट टाइम मिसल पाव पुणे में आकर, स्पाइसी तो है, टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। मेरे को लगा था जो बड़ा पाव होता है मिसल पाव होता है टेस्ट कैसा होगा, सेम ही होगा ना, लेकिन इसमें असली जादू क्या कर रहा है मालूम है, ये तरी लेकिन है बहुत स्पाइसी भाई है। मैंने तो अभी मतलब बस एक ही जगह का ये मिसल पाव ट्राई किया फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन है तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, मैं वो भी ट्राई करूंगा। ये मतलब यहाँ का सिस्टम है, ये डालोगे तो स्पाइसी होता है। शिवम भाई भी आ गए। मिसल पाव कभी खाए हो इससे पहले? नहीं, अभी नहीं खाया मैंने। मैं भी कभी नहीं खाया था पहले, तो स्पाइसी पसंद है भाई, बहुत स्पाइसी होगा। कैसा लगा टेस्ट? ठीक है, अगर मेरे को स्पाइसी लग रहा है तो मेरी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। मतलब ये स्पाइसी खाते हैं? नहीं, मेरे लिए पूरा मेरे लिए ठीक है। कैसा लगा वैसे? टेस्ट तो ठीक है, मतलब ओवरऑल टेस्ट कैसा लगा? अच्छा है, टेस्ट मैंने पहली बार ही खाया। हाँ, मैं भी पहली बार ही खाया। अच्छा टेस्ट, बाकी पता क्या मेन गेम जो है, इससे पहले वाला तरी था ना, शिवम ने पूरा खाया, कुछ उसको तीखा ही नहीं लगा, नहीं लगा क्या है भाई ये, इसको जोलो चिप चैलेंज करवाओ। ये ना करते मंगवाते एक दिन ट्रेन में ट्रैवल करते इसको ट्राई करेंगे थोड़ा साल का। ये उससे भी तीखी वाली है, सबसे तीखा है ये बता रहा है भाई, कोई सबसे तीखा है, मतलब पहले बाइट में आंसू निकल गया था। शिवम बोला मेरा कुछ आंसू नहीं निकलेगा, मैं कुछ नहीं हुआ, वो भी रॉ खा रहा है, मतलब मिक्स करके भी नहीं रॉ। भाई देखो यार, तबीयत खराब ना हो जाए, रिकमेंड नहीं है, रिकमेंड नहीं है भाई ये सब चीज। हाँ, किसी को रिकमेंड नहीं है, ये करता है, ये तीखा खाता है इसलिए खा रहा है। नहीं है भाई साहब, नहीं है, जो भी लोग कटकीर का तीखा वाला मिसल पाव अगर खाए हो, ऐसे नहीं है, ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, और भी खा सकता हूँ। नहीं भाई छोड़ो यार, मेरे को देख के तकलीफ हो रहा है। मैंने तो पर्सनली आंखों से देखा, हरी मिर्च ऐसे से खाया था, पूरी पूरी एक एक वाइट भरी मिर्च, ये देख फिर से पी लिया भाई, आंख से आंसू तक नहीं निकला।
चलो जी मिसल पाव ट्राई करके तो निकल गए भाई। वो तीखा तीखा था लेकिन बहुत बढ़िया था, और ये तो अलग ही तीखा खाया भाई। अब मेरे को समझ में आ रहा है भाई के साथ एक जोलो चिप्स चैलेंज करना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं होटल के साइड रेस्ट करना है, फिर वो जो भाई है ना अपने रेस्टोरेंट के लिए भी इन्वाइट कर रहा है, तो देखते हैं रूम जाते हैं अभी। पहले भाई ये जगह का नाम बता दो। गोखले नगर। अपना नाम बता दो। शशांकपट्टनम। भाई के जस्ट रेस्टोरेंट के और पीछे ये सुपरमार्केट भी है, तो उसके सामने ही खड़ा हूँ मैं। भाई अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट किया है, जरूर जाएंगे अभी। अभी सीन क्या हुआ, कल हम लोग का कहीं और का प्लान हो रहा है, सत्या भाई ने मेरे को एक डिसीजन लेने दिया। उसके चक्कर में क्या हुआ, ये मेरा फोन है, ये पीछे का कवर देखो मैंने क्या किया है, मतलब टेंशन में कवर जा रहे कवर। मैं भाई साहब सब्जी काट रहा हूं, कवर छील रहा हूं। ये लोकल है, यहाँ का नाम बता दो भाई अपना। मल्हार। मैं यूट्यूब चैनल भी है ना, क्या एमके ब्लॉग, एमके ब्लॉग, तो देखना भाई का चेकआउट भी कर लेना जाके। भाई मैं घूम कर आता हूँ, फोन नहीं भाई इतना लोग स्कूटी, भाई आप टेंशन मत लो, फोन कर देना बस एक बार, ठीक है। बहुत स्वीट बंदा है यार, बहुत स्वीट बंदा है। हम लोग जा रहे हैं तो वो दो स्कूटी दे रहा है, बोला भाई एक से नहीं होगा दो ले लो। अब बाकी भाई सब है तो हाजिरी दे दो यार। चलो भाई जाते हैं अभी, बातचीत तो चलते रहेगा, ब्लॉग को पूरा देखना। थोड़ा सा टाइम है रेस्टोरेंट जाने में, इसलिए अभी हम लोग आ गए चाय पीने के लिए। ये कोई पास में ही था साई टी एंड स्नैक्स। ये मुझे क्रीम रोल दिखा यार, बहुत खाता था मैं बचपन में, और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं मिल रहा है अभी भी। भाई ले लो। थैंक यू जी भाई, थैंक यू मतलब क्या, खाने के लिए अभी खा लो। ट्रेन में पैक करने के लिए नहीं, अभी खा के खत्म कर दो यार। सबका हो गया ना, चाय लेंगे बस साथ में। बस भाई बढ़िया, बोल दो चाय के लिए यार, चाय का बहुत शौकीन आप तो देखे ही हो। भाई देखो अपना चाय भी आ गया है, और सच बताए ना ये वाले ट्रिप में यार चाय यार बहुत कम ही पीने का मौका मिला है। देखते कैसा है चाय, चाय अच्छा है, यवले से कंपेयर कर दिया मतलब चाय बढ़िया है भाई। एग्जैक्टली दूध चाय पत्ती चीनी सबकी मात्रा एक बराबर। भाई आप इतना तीखा खाते हो, मीठा पसंद आ रहा है? चाय तो पीता नहीं लेकिन चाय मिसल की तर्री पीती ना आपने बताया, चाय तर्री पी रहा है ये। चाय तो पीता नहीं लेकिन चाय बोल दिया। हां भाई का डायलॉग है, चाय तो मैं पीता ही। भाई चाय आपने बनाया, मजा आ गया, आ जाना भाई कभी इधर। जगह का नाम तो गोखले नगर है, दिख जाएगा आपको साई टी एंड स्नैक्स, बढ़िया चाय। हाँ जी तो देख लो यही है भाई का रेस्टोरेंट, रंगीन प्योर वेज, गोमती नगर, मैंने बता दिया आपको एड्रेस। भाई तुम सोलापुर निकल रहे हो, मेरे को पता ही नहीं। देखो ये राज है, इसको राज ही देना, ये खाना इतना पेट भर के खाओगे। हाँ जी ट्रेन में नींद का क्या करोगे, खाना पेट भर के नहीं खाऊंगा आपको बताइए, थोड़ा हेल्दी का नहीं नहीं थोड़ा बहुत टेस्ट करूंगा। भाई का क्वांटिटी बहुत कम है खाने का, मैंने देखा है। अब देखो नहीं कम, 75% इसमें से कंज्यूम किया जा चुका है, आपको ही पता है अगर ऐसा बोतल पास मिल जाए, खाली टाइम मिल जाए, इतने लोग मिल जाए, एक ऐसा टेबल मिल जाए, इसको अगर थोड़ा साफ कर लिया जाए तो थोड़ा सा मेरा कैमरा ऑफ था तो नहीं हुआ, काट कर देना। मोहित भाई कैसे हो? नाम बता दो अपना। हाँ जी तो मैं अभी आ गया हूँ भाई के रेस्टोरेंट में। भाई अच्छा खासा रश है, एक्चुअली हम लोग बैठे ही हैं, बैठने के साथ ही सर्विस स्टार्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, इनका मेन्यू और इनका खाना का जो प्रेजेंटेशन है बहुत डिफरेंट है, देखोगे कुछ और लगेगा, कुछ और नाम रहेगा कुछ और, लेकिन खाओगे कुछ और। मेन्यू भी देख लो काफी अलग टाइप का है, ये देखो पूरा एकदम फिल्म स्टाइल रजनीकांत। देख लो जी चिकन लॉलीपॉप तो आपने बहुत सुना होगा खाते हुए, ये वेज लॉलीपॉप है, देखकर तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। देख लो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या क्या है। भाई ये बताओ क्या क्या चीज ट्राई करवाने वाले हो? वेज अंडा करी, वेज तंगड़ी मसाला, वेज अंडा करी, वेज तंगड़ी मसाला, वेज अंडा करी, वेज अंडा करी, वेज अंडा करी, देखते क्या होता है। आप तो प्योर वेज हो ना, सस्पेंस में आ गया मैं, आज वेज अंडा करी खिलाना है आपको। और उसके अलावा भाई तंगड़ी मसाला, क्या तंगड़ी मसाला, तंगड़ी मसाला, तंगड़ी मसाला वेज है तो वेज। और सब आएगा तो नाम बता देना मेरे को, नाम बड़ा यूनिक है। इसको पहले ट्राई कर लेते हैं, पहले एक फोटोज ले लेते हैं बढ़िया वाला इंस्टाग्राम के लिए। अब आई थे इंस्टाग्राम का अगर नाम ले लिया तो सभी को अपना इंस्टाग्राम का नाम बता दो भाई। तो भाई चलो एक काम करते हैं, फोटो ले लेते हैं, स्टोरी वगैरह जो देखना आप लोग वहाँ देख लेना।
चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं इनका ये वेज लॉलीपॉप। थोड़ा स्पाइसी है लेकिन बढ़िया लग रहा है, स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या आने वाला है, वो आता है तो वो भी दिखा दे। चीयर्स। आज का शाम पुणे का नाम, मराठी में कुछ बोल दो। पुणे बहुत बढ़िया। मेरे को बस एक ही चीज बोलने आता है, कसक है। कसक है, कसक है सही। और मैंने एक चीज सीखी थी पहले, महाराष्ट्र मारे तुमचा हार्दिक स्वागत है। वंदे भारत के। एक चीज सीखा है खाना खाने का, जीवन झाला का, जेवन झाला का, जेवन जेवन काय नाही झाला, जेवायला आपण घेऊया सगळ्यांनी, पोटभर जेवूया। जीवन तो सही आता, जीवन सग चांगल है। समझ नहीं आया लेकिन बहुत बढ़िया था, कुछ अच्छा ही था लेकिन, कुछ अच्छा था लेकिन। आपका ट्रेन कितने बजे? 12:20 का भाई, लेट तो लेट ना हो, पैकिंग भी करनी। खाली रोड मिलेगा भाई, पूरा रोड खाली मिलेगा, पैकिंग मत करो। सुनो एसके को बता दो क्या क्या तुम्हारा सामान कैसे रखना है, वो रख देगा, मैं बैग लेके हम लोग सुबह जाएंगे। उसी में भी गद्दारी हो जाएगी। अब इसके बाद आ गया अपना सेकंड स्टार्टर जो कि है मशरूम मुल्तानी। यूनिक सा लग रहा है, मैंने इस टाइप का कोई चीज इससे पहले ट्राई नहीं किया है। बताते हैं इसका टेस्ट भी कैसा है। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा क्रीमी है, ये देखो अंदर से तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसमें पनीर वगैरह भी मिक्स किया गया है ना, पनीर मिक्स है ना इसमें। हाँ। अभी जो आप लोगों ने एकदम तीखा चटपटा जो आइटम खाया, वेज लॉलीपॉप, लॉलीपॉप और ये जो मशरूम मुल्तानी है, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। ये अच्छा है, ये खाकर अगर किसी को तीखा लगा हो ना, ये खाकर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अमृतसरी चाप। बाकी ये बताओ जितने लोगों ने भी ये ट्राई किया मशरूम मुल्तानी कैसा लगा? मतलब सिंपली जो भी मुंह के अंदर गया ना सब घुल गया, पूरा अंदर घुल गया। हाँ। बहुत बढ़िया। कैसा है? आपको तीखा उतना पसंद नहीं है तो ये तो और अच्छा लगेगा आपको, ये तो क्रीमी टाइप का है। ये कैसा है भाई? चाप खा रहा हूँ, एक नंबर चाप। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। तो चलो भाई ये भी ट्राई कर लेते हैं कैसा है, तो मैं भी देखता हूँ ये चाप कैसा है। मेरा क्या है ना पर्सनली, मेरे को क्रीमी चीजें उतना ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी इनका जो बनाने का तरीका है ना इतना अच्छा है कि ये भी अच्छा लग रहा है। ये अपना फोर्थ स्टार्टर आइटम है, मकराना टंगड़ी कबाब। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, बिल्कुल प्योर वेज रेस्टोरेंट। और देख लो भाई, देखने में ऐसा लगा, मतलब इसको ऐसा बनाया गया है ना, मतलब इस टाइप से बनाया गया है जो आपको लगेगा देखने में। स्पेशली अगर मैं ये सत्या भाई के सामने रख दूं, आपके घर वाले बिलीव नहीं करेंगे क्या कर रहा है ये। देखते हैं ये वेज टंगड़ी कबाब कैसा लगता है, देखते हैं कैसा है। लेयर भी आ रही है। वैसे तो ये मकराना टंगड़ी कबाब है, टेस्ट इसका एकदम ही डिफरेंट है। मिक्स वेज जो होता है ना वो सबको मिक्स करके, ये तो मेरे को गाजर लग रहा है सर, गाजर है ना, गाजर का इन्होंने बेस यूज किया है वो टंगड़ी बनाने के लिए। बाकी ऊपर में वो कोटिंग होता है ना मिक्स वेज का, वो सब किया मिक्स वेज, मतलब इसमें बहुत कुछ पनीर है, चीज है, सब कुछ मिक्स है। मोहित भाई एक्चुअली नॉनवेज प्रिफर करते हैं कोलकाता वगैरह में, भाई आपको वेज की बिरयानी कैसी लग रही है? जैसे हम लोग के साथ है ना, मतलब 2-3 दिन से साथ में, लेकिन नॉनवेज नहीं खाया भाई ने, मतलब ये नहीं कहूँगा कि रियली अप्रिशिएट, लेकिन हमेशा हमारे साथ खाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद ही नहीं खा रहे, हमारे वेज की दुनिया में घुसे हुए हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, वेज खिला दो नॉनवेज खिला दो। अब मैं सच बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, बार बार मैं नॉनवेज खाता हूँ ना, मेरे को खुद ही मन करता है भाई वेज खा लूँ। ओवरऑल यूनिक है, बढ़िया है, दिखने में ज्यादा यूनिक है ये। भाई कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम टंगड़ी खा के? सिर्फ फीलिंग है, असली तो नहीं है, धोखा ही है पूरा। कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम ऐसे टंगड़ी हाथ में लेकर? मैं जुटा रहा हूँ खाने के लिए अभी भी। अभी भी डाउट हो रहा है भाई, सच में कहीं चिकन नहीं है ना अंदर में? तो भाई ये जो देख रहे हो ना, ये वेज अंडा करी है, ये है पूरा पनीर का। अच्छा, अंदर जो है वो चीज का। और ये क्या है? टंगड़ी, वेज टंगड़ी मसाला। अच्छा, मेरे साथ रहकर नॉनवेज खाना सीख गया। ये बताऊं, ये जो इतना इन्होंने प्रॉपर इससे बनाया ना, इसका फोटो, मैं प्योर वेज हूं, फोटो डालने में भी मतलब डर लग रहा है कि ये बिलीव नहीं करेगा कोई कि ये नॉनवेज है, नॉनवेज है। ये जो है ना, ये पूरा पनीर है और अंदर में चीज का स्टफिंग है, ग्रेवी के साथ जब मिक्स रहेगा तब ज्यादा बढ़िया लगेगा। एक्चुअली स्टार्टर से इतना पेट भर गया ना, ये खाने का भी जगह वैसा है नहीं, ओवरऑल बढ़िया है। अभी देख लो अपना खाना पीना तो चल ही रहा था, उसके साथ ही यहाँ पे आ गया है हैदराबादी बिरयानी। चलो जी, खाना पीना तो हो गया अपना, अब टाइम हो गया निकलने का। और देख लो कितना रात हो गया खाना पीना ट्राई करते करते, 11:15 लगभग 11:30 बजने जा रहा है, और भाई का ट्रेन भी है 12:30। चलो जी, खाना पीना ट्राई हो गया, अभी बाहर आ गया हूँ मैं। पहले तो भाई थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, पेट पूरा भरा हुआ था, आपने भी देखा कितना खाना हम लोगों ने पैक करवाया था, फिर भी आए। स्टार्टर आपको बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, अभी हम लोगों ने ऑटो ले लिया है होटल तक के लिए, वही जा रहे हैं। देख लो अक्षय निकल गया आगे, क्योंकि उसको बहुत देर हो रहा था, वो स्कूटी से निकल गया। चलो जी, अभी जस्ट मैं रूम आया, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचा है, सारा दिन बाहर इधर शूट उधर शूट। एक तो आधा टाइम इतना लेट निकले थे हम लोग, उसमें भी इधर उधर टाइम निकल गया, वो आपने लास्ट वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। कितने बजे उठना हम लोगों को? आराम से भाई, हम तो 7:30 उठेंगे, पूरी रात की नींद लेंगे बढ़िया। और वहाँ पे देख लो क्या चल रहा है भाई, क्या छुपन छुपाई चल रहा है, की गेम है।
दुबई वाला परफ्यूम हमें पसंद आया उसको निकाल। अच्छा वो आपका नहीं था? कल क्या हुआ ना, रूम में आए हम लोग, रूम में आने के बाद थोड़ा भाई गपशप चला, फिर कब नींद आया कुछ पता नहीं है। सुबह 7 बजे सोकर उठा, थोड़ा बहुत जो काम था अपना वो निपटाया मैं, और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 8:30 हो रहा है। फिर से हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए, यहाँ से मुंबई हम लोग जा रहे हैं एक नए ट्रेन से जो दूसरे रूट के लिए एकदम न्यूली ओपन हुआ था। पता तो चल ही गया होगा आपको कौन से ट्रेन से मैं जा रहा हूँ। सारा लगेज वगैरह अपना रेडी है, और कल भाई के रेस्टोरेंट में जाके बहुत अच्छा लगा, रंगीन प्योर वेज। वो गोखले नगर से हो तो आप लोग उधर जरूर जाना। वैसे चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।